हंस के इधर आएगा। चले 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 नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिश हंटर और मेरे नए वीडियो में आपका सब स्वागत है। तो दोस्तों, यहां पर उधर का जो जंगल दिख रहा है वहां पे हाथियों ने डेरा डाल रखा हुआ है कई दिनों से। तो मैं और ये गांव के लोग, ये चोराटन के गांव के लोग बिल्कुल डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि हाथी उसके घरों को बर्बाद ना कर दे। ऐसे पुलिस वालों को और वन विभाग को बोल दिया गया है, वे इसके लिए कुछ कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं हाथियों को देखने के लिए उस तरफ चलता हूँ, जंगलों की तरफ। दोस्तों, ये बगल में जो घर दिख रहा है इसके अंदर कोई भी नहीं है, हाथी के डर से सभी लोग भाग चुके हैं। दोस्तों देखिए, ये मैदान भी बिल्कुल खाली है और आसपास कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, सब सामने में हैं, सब नदी की उस तरफ भाग गए हैं। जंगल है, यहीं पे कम से कम 5 हाथी छुपे हुए हैं, 2 बड़े हैं और 3 बच्चे। मैं उसकी तलाश में आगे बढ़ रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे कुछ लड़के मिलके खाने वाला इंतजाम कर रहे थे, कुछ पका रहे थे, किंतु हाथियों के डर से वे लोग भी चूल्हा छोड़ के भाग गए। मैं बिल्कुल काफी डरा हुआ हूँ, इसी जंगल में अंदर की तरफ हाथी लोग छुपे हुए हैं, मसूर भागता हूँ, उसमें बिल्कुल डर डर के जा रहा हूँ। हाथी नहीं दिख रहा, हाथी बिल्कुल अंदर की तरफ है। मैं धीरे धीरे दबे पांव जा रहा हूं। ये रहा देखिए, गोबर, हाथियों के बहुत सारे गोबर। ये इस बात का संकेत है कि हाथी अभी भी ऊपर में है। दोस्तों, मैं सूंघ के थोड़ा देखूं। दोस्तों, इसमें है ना, बदबूदार नहीं है बिल्कुल, ये सब ताजे घास फूस खाते हैं ना, बदबू एक भी नहीं आ रही है। दोस्तों सॉरी, दोस्तों मैं चक्के नहीं देख सकता हूँ। आइए, आप डर रहे हैं क्या? देखिए देखिए, मेरे बाल फंस चुके हैं काटे काटेदार पौधे पे, इतना बचा बच के बच्चे पर चौधरी आइएगा। देखिए, मेरे स्वेटर फंस गए यहाँ पर भी। रहा हाथियों के दूसरा गोबर,
दोस्तों यहाँ पे हाथी के जो पाँव है ना बिल्कुल मोटे होते हैं, और इस प्रकार जैसे यहाँ ये हाथी के पाँव ने ये गोल टाइप का गड्ढा बना दिया है घास। इधर भी है, इधर भी है, ये सब हाथियों के पाँव के या पंजे के निशान है। ये घास के ऊपर कुछ कुछ जगहों को वो दाब दिए हैं। दोस्तों मुझे है ना हाथी को चिंघाड़ने की आवाज़ आ रही है, क्या करूँ मैं, उधर जाऊँ कि नहीं जाऊँ? ये जंगल बिल्कुल घना है, ये लताएं झुरमुट आपस में मिल चुके हैं, मुझे जाने में दिक्कत हो रही है। मित्र दबी पाँव आइए, यदि मुझे खतरे की महसूस होगी तो मैं आपको भगाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे दो नर्मदा हाथी जो भी बिल्कुल बड़े बड़े हैं और उसकी तीन को बच्चे, तो नर्मदा हाथी जो है अपने तीनों बच्चों को बिल्कुल चारों तरफ से घेर के रखी हुई है। यदि मैं उधर जाऊँगा ये लोग मुझे देख लेंगे, मेरे ऊपर हमला कर देंगे, इसलिए दोस्तों मैं पीछे की ओर भाग रहा हूँ। ये तो भागे, भागे 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 तेजी से आ रहे हैं। और दोस्तों मैंने गांव वाले को बुला लिया हूँ, वो नदी किनारे बैठे हुए थे। बड़ा वाला, बड़ा वाला को जाने से पहले वही लीडर है, मेन लीडर है। इधर नहीं आए, यही लीडर है, लोग नहीं आएगा, जाने तो जाने तो। अरे अरे हटिए नहीं यार, नीचे उतरिए ना, बड़ा वीआईपी लग रहा है यार। समझ में नहीं आता है। हाँ अरे यार ये तो चलिए पार कर दिया। अरे हटो ना वहां से यार, अरे रास्ता छोड़ो, तूने हराम डरा बता मैं मुझे बता। हटो आगो, अरे गड़िया के खड़ा कर देता है।
जाएगा गाड़ी। अरे किसका गाड़ी है? आएगा पक्का। जल्दी जा, मत जा मत जा। अरे अरे किसका गाड़ी है ये? नहीं गाड़ी कुछ नहीं करेगा, गाड़ी कुछ नहीं करेगा। ए सूरज अंगन में। अरे कुछ बात है लड़वा। अरे हटो यार, फोड़ो रे फोड़ो रे, भागो भागो भागो। दोस्तों ये हाथियों के डर से तो मैं तो घर के अंदर 5 घंटे तक छुपा रहा, और मेरे सारे मित्र ये नदी के उस नदी के पर जाके बैठे हुए थे। मैं उसे समझा बुझा के लाया और हाथी को भगाने में मेरी मदद की है। तो दोस्तों मैं तो हाथियों से बिल्कुल डर चुका हूँ, और देखिए हाथी को भगाने के चक्कर में, उसे देखने के चक्कर में मेरे बाल में ये कुछ कांटे लग गए हैं और मेरे शर्ट भी यहाँ पे फट चुके हैं। तो दोस्तों मैं तो रिस्क लेता हूँ, किंतु आप लोग हाथी को देखने के चक्कर में, वीडियो को बनाने के चक्कर में कृपया रिस्क ना लें, सिर्फ मैं ही रिस्क लेता रहता हूँ। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो फ़िलहाल मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और अच्छी लगी हुई वीडियो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, मुझे यूट्यूब की दुनिया में थोड़ा आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, जोहार।